बिपाशा के एक्स बॉयफ्रेंड का दोस्त चलता है मुंबई में ऑटो, साथ देखी साउथ की हिट फिल्म तो बनी फोर्स। आज के इस आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता जॉन अब्राहम की, जिन्होंने फिल्म जिस्म से साल 2003 में बॉलीवुड में एंट्री मारा था। इसके बाद जॉन अब्राहम ने अब तक कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। वहीं अपने शानदार अभिनय और दमदार एक्शन के दम पर बॉलीवुड में अपना एक अलग पहचान बना चुके हैं। बता दें कि इनके सुपरहिट फिल्मों में वेलकम बैक, गरम मसाला, धूम, हाउसफुल 3 जैसे फिल्में शामिल हैं। वहीं इन दिनों वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में बिजी हैं। वहीं हमेशा स्टाइलिश और हैंडसम दिखाने वाले जॉन अब्राहम असल जिंदगी में बहुत ही साधारण हैं। कई समारोह में जहां दूसरे कलाकार सज धज कर पहुंचना पसंद करते हैं, वहीं जॉन साधारण कपड़ों में पहुंचकर भी पूरी लाइमलाइट लूट लेते हैं। एक सुपरस्टार होते हुए भी जॉन की जिंदगी में कई आम दोस्त भी हैं, जिसके साथ वे न सिर्फ समय व्यतीत करते हैं बल्कि वे उनकी सलाह को गंभीरता से भी लेते हैं। ऐसे ही जॉन के एक दोस्त हैं सुक्कू, जो एक रिक्शा चालक हैं। एक चैट शो के दौरान जॉन ने इस बात का खुलासा किया कि सुक्कू की सलाह के बाद ही फोर्स फिल्म आई थी। अपने पर्सनल ट्रेनर विनोद चन्ना के साथ चैट शो नॉट जस्ट सुपरस्टार्स में पहुंचे जॉन ने बताया, मेरा दोस्त सुक्कू ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, वह मुझे रोज घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वापस छोड़ता है। जॉन ने बताया कि वह काम में व्यस्त रहना पसंद करते हैं। पिछले करीब 1.5 साल में उन्होंने मात्र 5 दिन की छुट्टियां ली है। वहीं वह खुद से अधिक दूसरों पर खर्च करने को प्राथमिकता देते हैं। वहीं जॉन आखिरी बार मल्टी स्टारर फिल्म पागलपंती में नजर आए थे। अनीस बज्मी निर्देशित इस फिल्म को दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं 2020 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हो सकती है। इसमें मल्टी स्टारर फिल्म मुंबई सागा, सत्यमेव जयते 2 और अटैक जैसी फिल्में शुमार हैं।